हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एडाबूस्ट एल्गोरिदम पढ़ रहे थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने का ट्राई किया था व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि एडाबूस्ट कैसे काम करता है। इस वीडियो में मैं आपको एक कोड के थ्रू एक वॉक थ्रू दूंगा उस पूरे एल्गोरिदम का, ठीक है। ये पूरा कोड मैंने स्क्रैच से लिखा है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये एल्गोरिदम कैसे स्क्रैच से बनाया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कोड मैंने पहले से लिख रखा है, पूरा कोड मैं फिर से लिख के नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको एक वॉक थ्रू दूंगा, वो फास्ट और एफिशिएंट तरीका है कोड समझाने का। सो सबसे पहले मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं। ML Extend बोल के एक लाइब्रेरी मैं यूज करूंगा डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करके दिखाने के लिए। बाकी दोनों लाइब्रेरीज आपको पता है, पैंडास और नंपाई। मैं खुद का एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ और उस डेटा फ्रेम में खुद का डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, खुद से बनाया हुआ। और ये रहा मेरा डेटा फ्रेम, दिस इज माई डेटा फ्रेम। 10 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स इनपुट के हैं, 1 कॉलम आउटपुट का है, और यही क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक बार प्लॉट करके दिखा देता हूं कि हमारा डेटा कैसा दिखता है। एंड यू कैन सी, ये हमारा डेटा है और एसेंशियली थोड़ा नॉन लीनियर टाइप का डेटा है, तो जानबूझ के मैंने इस तरह का डेटा लिया है। अब हम लोग एल्गोरिदम लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम जो आप करते हो एडाबूस्ट में, वो होता है कि आप हर रो को एक वेट असाइन करते हो, और शुरू में वो वेट बराबर होता है। और वो बराबरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, बहुत सिंपल है। आप हर रो को इतना वेट दे देते हो, 1/ टोटल नंबर ऑफ रोज। हमारे केस में हमारे पास 10 रोज हैं, तो हर किसी को मिलेगा 0.1। सो इस कोड को मैं रन कर रहा हूं और अब मेरा डेटा फ्रेम ऐसा दिखाई दे रहा है। यू कैन सी हर किसी का वेट बराबर है 0.1। अब अगला काम आप क्या करोगे कि आप एक डिसीजन ट्री क्लासीफायर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि मैक्स डेप्थ शुड बी इक्वल टू 1, बिकॉज एडाबूस्ट में आप जो डिसीजन ट्रीज यूज करते हो वो डिसीजन स्टम्प्स होते हैं, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया और मॉडल को ट्रेन कर दिया। सिंस बहुत छोटा डेटा है, बहुत जल्दी मॉडल ट्रेन हो गया। मैं आपको सबसे पहले डिसीजन स्टम्प दिखाता हूं। दिस इज द डिसीजन स्टम्प, और ये डिसीजन स्टम्प बन रहा है सेकेंड कॉलम के ऊपर, X2 के ऊपर यहां पर लिखा हुआ है X(1), मतलब सेकेंड कॉलम, 0 फर्स्ट कॉलम होता है। और ये रही इसकी डिसीजन बाउंड्री। लेट्स सी कितनी गलतियां कर रहा है ये मॉडल। और यू कैन सी 3 गलतियां कर रहा है, 3 ब्लू पॉइंट्स ऑरेंज रीजन में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन निकालेंगे यूजिंग दिस कोड। और अब मेरा डेटा फ्रेम ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हो कि कितनी गलतियां हमारे मॉडल ने की। सो पहले रो में कोई गलती नहीं है क्योंकि लेबल भी 1 है, प्रेडिक्शन भी 1 है। दूसरे में भी कोई गलती नहीं है, तीसरे में गलती है, उसके बाद नहीं है, यहां पर है और यहां पर है। टोटल मिला के हमारा मॉडल 3 गलतियां कर रहा है, रो नंबर 2, रो नंबर 6, रो नंबर 8, ठीक है। अब आपको पता है अगला काम आपको क्या करना होता है कि ये जो मॉडल है, जो डिसीजन स्टंप आपने ट्रेन किया, इसका आप एक वेटेज कैलकुलेट करते हो यूजिंग द फॉर्मूला हाफ लॉग 1 - एरर डिवाइडेड बाय एरर। एरर क्या होता है, उन सारे रोज का वेट का सम जहां पे मिसक्लासिफिकेशन हुआ। 3 रोज के ऊपर मिसक्लासिफिकेशन हुआ, तीनों का वेट 0.1 है, तो हमारा टोटल एरर होगा 0.1 + 0.1 + 0.1, मतलब 0.3। मैंने यहां पर एक फंक्शन बना रखा है कैलकुलेट मॉडल वेट, जहां पे अगर आप एरर प्रोवाइड करोगे तो वो फॉर्मूला लग जाएगा और आपको मॉडल का वेट मिल जाता है। इस फॉर्मूले को मैं एक बार रन कर देता हूं और हम अल्फा 1 कैलकुलेट करेंगे हमारे पहले मॉडल के लिए। सो मैंने कैलकुलेट मॉडल वेट में 0.3 पास किया, जो कि मेरा टोटल एरर है, और अल्फा 1 आ रहा है 0.42। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है कि जिन भी रोज में मिसक्लासिफिकेशन हुआ है उनका वेट आप बढ़ा देते हो, और जिन भी रोज में करेक्टली क्लासिफिकेशन हुआ है उनका वेट्स आप घटा देते हो, सो दैट आप करेंट मॉडल की गलतियां अगले मॉडल को बता पाओ, ठीक है। अब सैंपलिंग वाला जो पूरा स्टेप था पिछले वीडियो से, सो मैंने यहां पर एक फंक्शन बना रखा है अपडेट रो वेट्स बोल के, जहां पे आप रो पास करोगे और एक अल्फा वैल्यू दोगे। हमारे केस में अल्फा वैल्यू 0.423 है, और यहां पे मैंने चेक लगा दिया है कि अगर उस रो में करेक्टली क्लासिफिकेशन हुआ तो आप करेंट वेट को मल्टीप्लाई कर दोगे e^-α से, और अगर मिस क्लासिफिकेशन हुआ तो आप करेंट वेट को मल्टीप्लाई कर दोगे e^α से, ठीक है। और इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं
और हम एक नया कॉलम बना रहे हैं अपडेटेड वेट्स, और इस कोड को कॉल कर ले रहे हैं, और ये रहे हमारे अपडेटेड वेट्स। एंड यू वुड सी जहां जहां पे हमने गलतियां की उनका वेट बढ़ गया है, ठीक है, 0.1 से 0.15 हो गया, और जहां जहां पे हमने सही काम किया उन रोज का वेट घट गया, 0.1 से 0.06 हो गया। यहां तक आई गेस आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पर एक चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है जो मैं पिछले वीडियो में बोलना भूल गया, कि हम e टू द पावर अल्फा या फिर e टू द पावर माइनस अल्फा के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। करंट वेट को आप e टू द पावर माइनस अल्फा या फिर e टू द पावर अल्फा से मल्टीप्लाई क्यों करते हो, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए हमें एक बार डेसिमल्स में जाना पड़ेगा, और मैं आपको एक बार दिखाता हूं ग्राफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x का। ये ग्राफ है e टू द पावर x का। अब इस ग्राफ का अगर आप बिहेवियर देखो तो x की वैल्यू अगर बढ़ने लगती है तो y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और अगर x की वैल्यू छोटी है तो y की वैल्यू भी छोटी है, राइट। तो यहां पे जो x है वही हमारा यहां पे अल्फा है। सो इसका मतलब यह है कि अगर किसी मॉडल का अल्फा ज्यादा है, और मॉडल का अल्फा ज्यादा कब होगा सोच के देखो, मॉडल का अल्फा ज्यादा तब होगा जब वो मॉडल बहुत सही होगा, गलतियां बहुत कम करेगा, प्रेडिक्शन जिसके बहुत सही होंगे उस मॉडल का अल्फा ज्यादा होगा। अब अगर कोई आपके पास ऐसा मॉडल है जिसका अल्फा बहुत ज्यादा है तो उसका ये पूरा चीज भी बहुत ज्यादा होगा, और ये पूरी चीज अगर बहुत ज्यादा होगी तो करंट वेट को जब आप एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नया वेट भी बड़ा होगा। इसका मतलब अगर कोई बहुत ट्रस्ट वर्दी मॉडल आपके पास है तो वो आपके इनकरेक्टली क्लासिफाइड रोज का वेट बहुत बढ़ा देगा। बट अगर आपके पास उतना ट्रस्ट वर्दी मॉडल नहीं है, मतलब अल्फा छोटा है, तो फिर ये नंबर भी बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, और फिर ये अपडेट भी जो होगा ये भी बहुत छोटा होगा। एंड दैट इज वाई वी यूज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं आपको माइनस एक्स का भी इंट्यूशन दे सकता हूं, ये रहा माइनस एक्स का ग्राफ, बहुत छोटे एक्स पे वाई बड़ा है और बहुत बड़े एक्स पे वाई छोटा है, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। सो अगर आपके पास ऐसा मॉडल है जिसका अल्फा बहुत ज्यादा है, मतलब आपका मॉडल बहुत ट्रस्ट वर्दी है, तो ये बड़ा, ये जो पूरा नंबर है ये वन से छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो करंट वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो एक बार प्लीज थोड़ा बैक करके इस पूरे इंट्यूशन को समझ लेना, इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ हमारे पास अपडेटेड वेट्स आ गए, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आप डीएफ अपडेटेड वेट्स के ऊपर सम लगाओ तो टोटल सम इन सारे रोज का सिर्फ 0.91 हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा वेट अपडेट्स इस तरीके से करने हैं कि सारे रोज के वेट्स का सम शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, और ये रहा नॉर्मलाइज करने का कोड। हर वेट को मैं वेट के सम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं और एक नए कॉलम में स्टोर कर दे रहा हूं, और ये रहा हमारा आउटपुट, ये रहा हमारा नॉर्मलाइज्ड वेट। सो अब सारे के सारे इनकरेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट 16.6 हो गए और करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट 0.07 हो गए, ठीक है। और ये रहा हमारा नॉर्मलाइज्ड वेट्स का सम, एग्जैक्टली इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, रेंज बनाएंगे। तो ये रेंज बनाने का कोड है, मैं अपर रेंज क्रिएट कर रहा हूं, मैं लोअर रेंज क्रिएट कर रहा हूं, और ये रहा मेरा अपर और लोअर रेंज। सी, इन वेट्स को यूज करके मैंने अपर और लोअर रेंज बना दिया, ठीक है, एक बार आप ये देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमें एक नया डेटा सेट बनाना है इसी डेटा सेट से, और उस नए डेटा सेट में उतने ही रोज होंगे जितने हमारे करंट डेटा सेट में है। और वो नया डेटा सेट बनेगा कैसे, हम 10 रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि वो नॉर्मल, वो रैंडम नंबर कौन से रेंज में आके गिर रहे हैं। जिस रेंज में आके गिर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर रो को उठा लेंगे, ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक फंक्शन बनाया है क्रिएट न्यू डेटा सेट बोल के, जिसमें मैं अपना पुराना डेटा सेट दूंगा, इंडेक्सेस कैलकुलेट करूंगा, मैं लूप चला रहा हूं 10 बार, हर बार रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूं और चेक कर रहा हूं कि वो रैंडम नंबर कौन से रेंज में गिर रहा है। उस रेंज का इंडेक्स को उठा रहा हूं और इंडेक्सेस वाले लिस्ट में डाल रहा हूं और वो आपको रिटर्न कर रहा हूं। सो यहां पर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, एंड यू कैन सी कि 2 एक बार आ रहा है, 8 दो बार आ रहा है, और 6 एक बार आ रहा है। तो बेसिकली उन रोज का वेट बढ़ गया है जहां पे गलतियां हुई थी, और इसी को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसी स्टेप को बोला जाता है अप सैंपलिंग। तो हमने अप सैंपल कर दिया।
अब मैं एक सेकेंड डेटा फ्रेम बना रहा हूं जो कि पुराने डेटा फ्रेम से है और सिर्फ इन रोज को ले रहा हूं, इंडेक्स वैल्यूज को, बेसिकली इन रोज को ले रहा हूं और सिर्फ इन कॉलम्स को ले रहा हूं, 0, 1, 2, 3, ये चार रोज, ठीक है। और ये रहा मेरा नया डेटा फ्रेम, ठीक है। हमेशा याद रखना, जैसे आपने नया डेटा फ्रेम बनाया अगले स्टेज के लिए, तो आपके पास वेट्स फिर से 0.1 से इनिशियलाइज होंगे, बराबर वेट से आप फिर से इनिशियलाइज करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी अपसैम्पलिंग कर दिया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक सेकेंड डिसीजन ट्री बनाओगे, उसको ट्रेन करोगे नए डेटा के ऊपर। ये रहा मेरा सेकेंड डिसीजन ट्री, ये पहले कॉलम के ऊपर ट्रेन हुआ है, ठीक है, ये X1 के ऊपर ट्रेन हुआ है। और उसके बाद आप इसका डिसीजन बाउंड्री को प्लॉट करोगे, एंड यू कैन सी ये एक गलती कर रहा है, ये ब्लू पॉइंट के ऊपर, सो हम फिर से वाइप रेड निकाल रहे हैं। और ये रहा सेकेंड डीएफ, सो यू कैन सी यहां पर एक गलती हो रही है और कोई गलती नहीं हो रही है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक गलती और कोई गलती नहीं हो रही है, ठीक है। फिर से हम कैलकुलेट मॉडल वेट को कॉल कर रहे हैं और यहां पे हम 0.1 पास कर रहे हैं और हम अल्फा 2 कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर आवर सेकंड डिसीजन ट्री, और इसका वेट आ रहा है 1.09 जो कि पिछले वाले वेट से ज्यादा है क्योंकि इसमें कम गलतियां की। एक चीज और, कभी कभी आपके पास ऐसा मॉडल आ सकता है, स्पेशली जब आप छोटे डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो, कि वो कोई भी गलती ना करे, उस केस में आपका एरर जीरो हो जाएगा। अब अगर एरर जीरो हो जाएगा तो ये फॉर्मूला रोने लग जाएगा, ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था ये रोने लग जाएगा क्योंकि आप एरर से डिवाइड करते हो और अगर एरर ही जीरो है तो ये पूरा टर्म फट पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस एरर के आगे एक छोटा नंबर लगा सकते हो, उससे ये टर्म जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको अलग से बता दिया कि अगर कभी इस प्रॉब्लम में फंसते हो तो कैसे सॉल्व करना है, इंटरनली scikit-learn में ये प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, सो आपको करने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग बैक, सो या हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमने अपना अल्फा कैलकुलेट किया। अब हम फिर से अपडेट करेंगे अपने वेट्स को, करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स का वेट्स घट जाएगा, इनकरेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स का वेट बढ़ जाएगा। सो हम फिर से अपडेट रो वेट्स को कॉल कर रहे हैं, इस बार अल्फा का वैल्यू होगा 1.09, ठीक है। रन किया, अपडेटेड वेट्स कॉलम बनाया और ये रहा, एंड यू कैन सी सिर्फ एक ही जगह पे गलती थी तो उसका वेट 0.29 है, बाकी सबका वेट 0.03 है। अगेन हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे और नॉर्मलाइज करने के बाद ये रहा 0.49, ये अकेले है और बाकी सब 0.5 है, सम इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर से मैं रेंजेस क्रिएट कर रहा हूं, ये रहे मेरे रेंजेस, ठीक है। फिर से मैं इंडेक्स वैल्यूज क्रिएट कर रहा हूं और थर्ड डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं। थर्ड डेटा फ्रेम में आप नोटिस करोगे कि आपको जीरो काफी बार दिखाई दे रहा है क्योंकि ये है वो जीरो वाला रो जहां पे गलती हो रही थी, तो ये काफी बार आपको दिखाई देगा, अब सैंपल हो गया है, ठीक है, काफी सारा है। फिर से मैं थर्ड डिसीजन ट्री को ट्रेन करूंगा और ये रहा उसका डिसीजन बाउंड्री, और ये भी कुछ गलतियां कर रहा है, प्रिसाइजली एक गलती कर रहा है, और इसके लिए भी हम वाइप रेट कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं कितनी गलतियां कर रहा है, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, 4, 5, 6 और 7, काफी गलतियां कर रहा है ये, एक गलती, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सो यहां पे हम 0.7 लिखेंगे और इसका वेट नेगेटिव है, ठीक है, लॉजिकल भी है ये। सो या अब हमें, ये रहे हमारे तीनों अल्फाज, ठीक है। अब हमें प्रिडिक्शन करना है, तो प्रिडिक्शन करने के टाइम हम क्या करते हैं, कोई एग्जिस्टिंग रो को उठा लेते हैं। मैं पहले आपको ये वाला दिखाऊंगा, 1, 5 इसका प्रिडिक्शन 1 आना चाहिए और 9, 9 इसका प्रिडिक्शन 0 आना चाहिए। ये दोनों मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं इसलिए मैं इनको ही उठा रहा हूं। सो ये देखो मेरा पहला क्वेरी पॉइंट ये है 1, 5, इसको पहले मैंने डिसीजन ट्री 1 में भेजा, आउटपुट आ रहा है 1, फिर मैंने 2 में भेजा, आउटपुट आ रहा है 1, और फिर मैंने 3 में भेजा, आउटपुट आ रहा है 1। अब हम क्या करेंगे, अल्फा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, अल्फा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 1 से, और अल्फा 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और ये टोटल नंबर आ रहा है 1.09।
अब मुझे बस इसका साइन ले लेना है 1.09 और 1 आ रहा है, तो हमारा आउटपुट विल बी 1। और इफ यू रिमेंबर, इस डेटा पॉइंट का आउटपुट 1 होना भी चाहिए था, ठीक है। सेकंड पॉइंट लेते हैं 9 और 9। तो पहले डिसीजन ट्री के हिसाब से प्रेडिक्शन होना चाहिए 1, दूसरे के हिसाब से प्रेडिक्शन होना चाहिए 0, और तीसरे के हिसाब से प्रेडिक्शन होना चाहिए 0, ठीक है। तो हम अल्फा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, अल्फा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और अल्फा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ये मैंने आपको बता रखा है, बूस्टिंग के केस में 0 को -1 लिया जाता है, ठीक है। और अब हम इसको रन कर रहे हैं और ये आ रहा है -0.25। इस नंबर को अगर मैं एनपीरोट साइन में डालूंगा और रन करूंगा, द आउटपुट इज -1। इसका मतलब पॉइंट नेगेटिव है, एंड दैट इज हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स। मैंने तीन ही डिसीजन स्टंप लेके चलाया, बट आप 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो। अब आपका काम क्या है इस वीडियो को देखने के बाद, कि मैंने तो इसको बहुत ही वीकली लिखा है इस कोड को, आप चाहो तो एक फंक्शन बना सकते हो जिसमें आप जितने मर्जी डिसीजन स्टंप्स को ट्रेन करते जाओ, और आप एक खुद का क्लास बना सकते हो एडा बूस्ट का, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी चीज क्लियर है, ये पूरा कोड मैं आपको दे दूंगा सो दैट आप भी थोड़ा इसके साथ टाइम स्पेंड करो। और दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।